दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधित जानकारी बताऊंगा। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है तो ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर के पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूरण, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पे बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो वहां पे इसके चूरण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूरण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। ये विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह ली तो देवी देवताओं ने जब उस वैद्य से सलाह ली तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेल के पत्र खाने के लिए दें। भगवान शिव को बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ते वाले ही बेल पत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरफ बेल पत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेल पत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो आज बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा ये आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध लें कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। इसमें शिवजी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्म का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि
कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो, बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लें। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, और आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मदरांचल पर्वत पर जा गिरी, इससे वहाँ एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में ये पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में बा समर्थ बान और भगवान का प्रसाद बन जाता है, वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। बात दोष, पितृ दोष, कप दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं, केवल बेल के पत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे, शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो, और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है, इसलिए ये तामस गुणों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करे हुए हैं, या फिर मटन मांस चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए हैं नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तामसिक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वास्थ्य बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है, आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है, बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है, और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग हो, दोष हो, पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसा भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग भी समाप्त हो जाता है, मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वो बात भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ इस वीडियो में। ऐसा भी माना जाता है, पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूँ,
कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाइए। तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देखने की सिद्धि आ जाती है। स्वतः ही आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे एक मित्र ने, हमारे एक संत महात्मा से हमने बातचीत की, ये हमारे मित्र ने भी खाए थे। बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन आप अपना देख सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरे का भी आप देख सकते हैं। मैं इसकी कभी विधि बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं उसमें दोष आते हैं, वो दोष नहीं लगते हैं। मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में किलित करके रखा है वो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। दोस्तों 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी नवग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद ये दैहिक पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कूर दृष्टि लगी हो, कूप लगा हो आपके जीवन में, जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो, वो पीड़ा दूर होती है, दैहिक पीड़ा दूर होती है। दैहिक पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि ज्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दैहिक पीड़ा भी दूर होती है, सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो कष्ट मिटता है। दोस्तों अंतिम बताना चाहूंगा, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार खाइए, ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रहा हूँ तो 5 ही खाइए, आपसे 1 बनता है, आप 1 ही खाना शुरू कर दें। लेकिन आपको नित्य खाना है तो इससे शरीर सिद्ध हो जाता है, आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में वाक सिद्धियां आ जाती हैं। तो आपने देखा शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतने चमत्कारिक फायदे हैं। और ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम ही मिलेगा। और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप खुद देखना आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाएं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो 1 लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।